हजरत मूसा के दौर में एक शख्स, हजरत मूसा का सहाबी था, हजरत मूसा के करीब बैठे, ये बाजार से एक शख्स तेजी से गुजर गया। हजरत मूसा ने अपने उस सहाबी से कहा, ये जो तेजी से गुजरा है ना, इसकी मौत से नहीं गिना। उसने कहा, अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया, इसकी मौत इसके सर पे है, आज रात के मर जाएगा। वो खामोश हजरत मूसा के पास बैठा रहा, उस सहाबी के उस बंदे के साथ ताल्लुक है। वो हजरत मूसा की बारगाह से निकला और मोहब्बत में उसे छुप छुप के गलियों से गुजरता उसकी गली में जाना, जाके दस्तक दी बाहर वो आया। उसने कहा, मैं आज हजरत मूसा के पास बैठा, जब तू गुजरा उसने बताया है कि तूने आज मरना है, और वो जो कह देता है ना वो हो जाता। अच्छा, उसने मौत की खबर सुनाई तो उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी नहीं आई। उसने कहा, तुम मजाक समझ रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूं। उसने कहा, तूने मर जाना। उसने कहा, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया। ये कह के वो जल्दी से घर में दाखिल हुआ। उसने अपने नौकरों से कहा, मेरे स्टोर में जींस की क्या सूट है? उन्होंने कहा, जी भरी भरी। उसने कहा, सारी निकालो, बांटो लोगों। ऐलान करवाओ। ऐलान हो गया जी, जिस जिसने भी जींस लेनी हो, उस दौर में जो भी थी जो थी अगर आए, लोग भागे, उसके घर से खराब होने शुरू हो गए। उसे कुछ बांटो, कुछ बनाओ और लोगों को खिलाओ। हो सकता है मैं जिंस लूं, वो घर जाए रख दे, खाने में उसके देर हो जाए। जल्दी करो, पकाओ, लुक में हलक से नीचे उतारो। खाने बनने शुरू हो गए, दस्तरखान सज गया, लोग आ रहे हैं। वो शख्स रात के आखिरी पहर में आया कि उसके घर से अब रोने की आवाजें आ गई। जब वो आया तो उसे मंजर देखा कि रश, दस्तरखान लगा, लोग खा रहे, वो बैठा बांट रहा है। वो दूर बैठा देखता, अब भी मरेगा, अब भी मरेगा, अब भी मरेगा। सुबह का सूरज तलू उसे जहन में सोचा, मूसा ने रात कहा था, दिन अगला गुजर गया, शाम अगली आ गई। अब वो उठा और हजरत मूसा की बारगाह में गया। जाने हजरत मूसा, अल्लाह के नबी पिछली रात की बात की थी ना, हाँ पिछली रात की। उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, वो जिंदा अपने घर में बैठे। अब हजरत मूसा मेहनत के साथ एक एक बंदा मुसलमान करते थे। अब उसके जहन में शक उठता हुआ देखा, तो मूसा ने हाथ पकड़ा, कोहे तूर पे गए, तेरे दिए हुए इल्म से मैं लोगों को बताता हूं, आपने कहा था मर जाएगा, मरा क्यों नहीं? अब आधे धीमे लहजे में बात कर, मुझे उसका कारोबार ही बड़ा पसंद आ गया। अब मेरा जी चाहता है कि मैं इसे देता रहूं, ये मेरी मखलूक को खिलाता। इसी महीने की 22 जमादियों सानी को दस्तरखान है करीम, सरकारी हर्ष ने मुश्तबा दिया। मुश्किल से मुश्किल हाजत तलब करो, मालिक का दस्तरखान बिछो, लोगों को खिलाओ। मसूम फरमाते, अभी 22 जमादियों सानी तो बहुत दूर है,